हे गाइस, स्वागत है तुम लोगों का जर्नी टू इंडिया रीजन के दूसरे एपिसोड में। एंड ये एपिसोड भी काफी शानदार होने वाला है, लेकिन तब शानदार होगा जब तुम लोगों ने पहला एपिसोड देखा होगा। एंड अगर नहीं देखा है तो जाके पहला एपिसोड देखो, आई बटन पर आ रहा होगा पहला एपिसोड, अभी इस वीडियो को देखो एंड ये दूसरा एपिसोड होने वाला है। एंड यार, एक और रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि वीडियो को लाइक कर देना ताकि वीडियो की रीच बढ़ जाए। और यार, कमेंट करके बताओ यार कैसा लग रहा है एपिसोड, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि रोबोट देख रहे हैं या इंसान देख रहे हैं। हाँ यार, इस रिक्वेस्ट को पूरा करो या वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पैलेट टाउन से, जहाँ पर एक बार फिर से सूरज उग रहा होता है। आम बात है, सूरज उगेगा ही, सुबह का वक्त है और हमारा ऐश केचम नए एडवेंचर पर जाने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। ऐश केचम काफी एक्साइटमेंट में है, लेकिन उसे अपनी मॉम और प्रोफेसर ओक को एक बार फिर से छोड़ के जाने का गम है। यार बहुत गम है, रो रहा है बेचारा, अंदर ही अंदर रो रहा है। तो ऐश को इंडिया रीजन की फ्लाइट पकड़नी होती है, जिसके लिए वो पैदल रास्ते पर जा रहा होता है, क्योंकि वो पैदल ही जाता है हमेशा। रास्ते में चलते वक्त उसे पुराने सफर और मेमोरीज याद आने लगती है, लेकिन एक बात बता देता हूँ, किस्मत ने ना उस दिन ऐश के लिए कुछ खास रखा होता है। तो जैसे ही ऐश एयरपोर्ट पहुँचता है, उसे भीड़ के बीच में एक जानी पहचानी लड़की की झलक दिखती है, और वो लड़की कोई और नहीं, सरीना होती है। क्या माल है यार, ऐश उससे पूछता है, हे सरीना तुम यहाँ कैसे। ऐश दोबारा पूछता है, हे सरीना जवाब दो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन सरीना जवाब नहीं देती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। ऐश की आंखें खुली की खुली रह जाती है। ऐश सोचने लगता है कि क्या वो सरीना का इल्यूजन था, लेकिन मुझे वो क्यों दिखा, क्या इसके पीछे किसी की साजिश तो नहीं। ऐश आगे जाकर देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। उस वक्त क्या हुआ उसे जब तक ऐश समझ पाता, तभी उसके शैडो से एक मिस्टीरियस क्रीचर निकल के बाहर आ जाता है। ऐश फिर से चौंक जाता है। वो मिस्टीरियस क्रीचर स्पिरिटून नाम का पोकेमोन होता है, एक मिथिकल पोकेमोन जिसमें इल्यूजन बनाने की एबिलिटी होती है। तभी ऐश को प्रोफेसर ओक की कही हुई बात याद आती है। प्रोफेसर ओक ने एक बार ऐश को कहा था कि स्पिरिटून ऐसे इल्यूजन बनाने के काबिल होता है जो किसी इंसान के दिल के काफी करीब होते हैं। ऐसे साजिश का सामना करने के बाद ऐश टेम्पररी के लिए अपनी जर्नी को रोक देता है। वो प्रोफेसर ओक के साथ इस घटना की छानबीन करने के लिए पैलेट टाउन लौट आता है, और ऐश और प्रोफेसर ओक स्पिरिटून के ऊपर काफी रिसर्च करते हैं, सिनोरिजन के लेजेंड को पढ़ते हैं, पुरानी कहानियों को देखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया। लेकिन उन्हें स्पिरिटून के इल्यूजन से रिलेटेड कोई ठोस क्लू नहीं मिल पाता है। तभी प्रोफेसर ओक ऐश से पूछते हैं कि ऐश तुम्हें स्पिरिटून ने कैसा इल्यूजन दिखाया था। ऐश चुप रहता है और कहता है, सॉरी प्रोफेसर मैं ये बात आपको नहीं बता सकता। ऐश अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे सिरिना का ही इल्यूजन क्यों दिखा, इसका और मेरी जर्नी का कोई कनेक्शन तो नहीं है। इल्यूजन देखने के बाद ऐश काफी उलझ सा जाता है और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए एयरपोर्ट के रास्ते में दोबारा से चलने लगता है। ऐश घने जंगल के रास्ते से एयरपोर्ट की तरफ चलने लगता है, तभी अचानक एक रोबोटिक हैंड पिकाचू को पकड़ लेता है। ऐश जब सामने देखता है तो सामने में टीम रॉकेट खड़ी होती है, जिसके पास एक बहुत स्ट्रांग पोकेमोन ऑनिक्स होता है। ऐश गुस्से में बोलता है, टीम रॉकेट तुम्हें मैंने कितनी बार बताया कि मेरा पिकाचू तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ऐसा सुनकर जेसी भड़क से जाती है और ऑनिक्स को वाटर गन करने बोलती है। ऐश उस वाटर गन से किसी तरह बच जाता है, लेकिन फिर चौंकते हुए बोलता है कि ये क्या, ऑनिक्स को वाटर गन कैसे आता है। तभी मियाओ ऐश को बताता है कि ये ऑनिक्स काफी स्पेशल है, इसे माइलोटिक नाम का पोकेमोन बहुत पसंद है, पर उसे रॉक टाइप पोकेमोन पसंद नहीं है, इसलिए उसे खुश करने के लिए ऑनिक्स ने वाटर टाइप अटैक सीखा है। ऐश गुस्से में आकर बोलता है, अरे गधों शर्म करो, लाखों बार तुमको मैंने हवा में उड़ाया है, तुम लोग इतनी बार फेल हुए हो कि जितना कि एडिसन बल्ब बनाने में फेल नहीं हुआ था। ये बात सुनकर जेम्स गुस्सा में पगला जाता है और ऑनिक्स को ऐश पर टैकल करने बोलता है, और इस बार ऐश पूरी तरह ऑनिक्स के टैकल से घायल हो जाता है। और इसके बाद टीम रॉकेट ऐश को गड्ढे में गिरा के पिकाचू को लेकर भाग जाते हैं। ऐश गड्ढे में बैठकर उदास हो जाता है बेचारा। कुछ ही देर में एक लड़के की आवाज आती है जो बोलती है, सिल्वियन अभी वाइंड विप, और फिर सिल्वियन करीबन ऐश को गड्ढे से बाहर निकाल देता है। ऐश के सामने इस बार रियल की सिरिना खड़ी होती है। ऐश बोलता है, क्या तुम हो सिरिना। सिरिना बोलती है, नहीं मेरा भूत है। ऐश डर जाता है और बोलता है, काश पिकाचू अभी मेरे साथ होता, तभी स्पिरिटून को पटक के मारता। सिरिना बोलती है, ऐश तुम ये क्या बोल रहे हो, इतने साल दूर रहने के बाद तुम मुझे भूल गए। तभी ऐश रियलाइज करता है कि ये असली सिरिना है। इसके बाद दोनों में बहुत सी बातें होती है। सिरिना अपने एडवेंचर्स बताती है और ऐश को वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए कॉन्ग्रेट्स भी करती है। सिरिना अपनी टॉप कोऑर्डिनेटर बनने की जर्नी बताती है। ऐश सिरिना के लिए प्राउड फील करता है। दोनों की बातों के दौरान सिरिना ऐश को ऐसा कुछ रिवील करती है जिससे कि ऐश की धड़कन एक पल को रुक सी जाती है। सिरिना कन्फ्यूज करती है कि जब वो ऐश के बिना सफर करती थी तो हर दिन वो ऐश को याद करती थी, और वो ऐश को उस प्रॉमिस की याद दिलाती जो उसने लास्ट टाइम किया था कि वो जब टॉप कोऑर्डिनेटर बन जाएगी तब वो ऐश के पास वापस आ जाएगी। ऐश की आंखें खुशी से भर आती है, बट ऐश अब भी सिरिना को एक फ्रेंड जैसा ही ट्रीट करता है। फिर से सिरिना ऐश से पूछती है, ऐश तुम कहाँ जा रहे थे। तभी ऐश को याद आता है कि उसे इंडिया रीजन के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। वो टाइम देखता है और इंडिया रीजन की फ्लाइट में सिर्फ एक घंटा बचा होता है। ऐश पूछता है, सिरिना तुम क्या मेरे साथ इंडिया रीजन चलोगी। सिरिना बोलती है, मैं तुमसे ही मिलने आई थी, एंड तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे भी वहाँ जाना ही पड़ेगा। ऐश बोलता है, सीधे सीधे भी बोल सकती थी, इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत।
एक तो वैसे लेट हो चुके हैं हम दोनों। ऐश सिरिना भागते भगाते एयरपोर्ट किसी तरह पहुंच जाते हैं और लकीली फ्लाइट भी एक घंटे लेट होती है। ऐश सिरिना बैठ जाते हैं, फिर सिरिना अपनी मॉम से बातें करने लगती है। तभी ऐश को प्रोफेसर ओक का कॉल आता है। प्रोफेसर ओक ऐश को कहते हैं, ऐश इंडिया में एक राइवल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऐश पूछता है, कौन सा राइवल सर? प्रोफेसर ओक बोलते हैं, रिची।